जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये देखिए कितनी जबरदस्त कोट यहाँ पर बोली गई है कि यू आर द ओनली प्रॉब्लम यू विल एवर हैव एंड यू आर द ओनली सॉल्यूशन। हमारे जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी जड़ आप ही हो, और जो भी सॉल्यूशंस निकलते हैं उसका भी सोर्स आप ही हो। और इसीलिए आप ही प्रॉब्लम हो और आप ही सॉल्यूशन हो। यहाँ पर जो चीजें होती है, बाकी की चीजें होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिससे आप लड़ सकते हो, और यही एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो अगर आप उसे सही तरीके से हैंडल करो तो आपके लिए सॉल्यूशन बन जाता है, और सही तरीके से हैंडल ना करो तो आप ही के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब बेसिकली अगर देखें तो सोर्स क्या है प्रॉब्लम का, आप ही हो। सॉल्यूशन का सोर्स क्या है, आप ही हो। तो इसीलिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सही तरीके से जो चीजें हैं उन्हें अरेंज करना है। जो चीजें आपको अचीव करना है उसके लिए जो भी चीजें लगती है वो अगर आप इकट्ठा कर लो, वो अगर आप साथ में लेके चलो, तो इजीली आप जो सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का निकाल सकते हो। और इसीलिए आप खुद अगर प्रॉब्लम हो और आप खुद अगर सॉल्यूशन भी हो तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम का सोर्स अगर आप हो तो सॉल्यूशन का सोर्स भी आप ही हो। तो इसीलिए ध्यान में रखिए कि जब भी कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए तो सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि जो चीजें आपने की थी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आया है तो अब कैसे उस चीज को एलिमिनेट किया जा सके, तो इजीली आपको सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक गुड न्यूज है आपके लिए, जो अपडेट है वो आ चुका है, तो आप ऐप को जाकर अपडेट कर सकते हो। बीटा वर्जन में भी आपको दिखाई देगा, उसी के साथ साथ आपको जो अपडेट है वो अपडेट वहां पर आपको साइन दिखाई देगी अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ। अगर नहीं किया है तो इजीली आप अगर इंस्टॉल कर लोगे तो आपको नया वर्जन जो है वही देखने को मिलेगा। इसमें UI चेंज किया गया, और खास चीज जो इसमें लाई गई है वो है स्पीड ऑप्शन। तो अब आप यहाँ पर हाई स्पीड पर भी वीडियो जो है वो देख सकते हो, स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, और उसी के साथ साथ PDF जो वीडियोस है वो हाई क्वालिटी के आप देख सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अब पेमेंट सिस्टम जो है उसमें भी अपग्रेडेशन किया गया है। पहले काफी लोगों को पेमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही थी पेमेंट करने में, लेकिन अब इजीली आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो। हेवी डिस्काउंट भी मिल रहा है, 70% तक डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप 2 साल के लिए कोर्स लेते हो, तो 1 साल के लिए ले रहे हो तो 50% के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 60 के आसपास आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो जल्द से जल्द अवेल कीजिए, डिस्काउंट खत्म होने से पहले आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि हाई क्वालिटी कोर्सेस है, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो एक बार देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम 29 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले थोड़ा खुद का प्रमोशन, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। आज रात को 8 बजे मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाला हूं, जहां पर मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करूंगा। तो मेरे साथ इंटरेक्शन करने के लिए 8 बजे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए, और मिलते हैं शाम 8 बजे। अब यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आपको ये जो प्लेस है ये प्लेस का नाम क्या है ये बताना है। तो बेसिकली क्या है, ये कंट्री जो है ये आपको बतानी है जो सदर्न मोस्ट सिटी है ऑन द अर्थ लोकेटेड। तो इसीलिए इस कंट्री का नाम जो है ये आप जरूर बताइए। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे न्यूज़पेपर पर, तो एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जिनपिंग के जिनपिंग के बारे में बात की गई है। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, रूरल रिकवरी। बेसिकली देखने को क्या मिल रहा है कि जब से लॉकडाउन हटाया गया है तब से लेकर तो जो अर्बन एरियाज है वहां पर जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांगली रिबाउंड नहीं हुई है जितनी हमें रूरल रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे कारण क्या क्या है, और उसी के साथ चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे तरीके से देखेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। उसी के साथ साथ ये बाकी के अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने कुछ आर्टिकल्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं और काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो मार्केट जो है वो हाई चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, लॉकडाउन जो है काफी जगहों पर चल रहा है, जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जो सेंसेक्स है जो मार्केट है वो इतना हाई क्यों जा रहा है, तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसी के पीछे जो फियर्स है वो कौन से हो सकते हैं, इसके रिगार्ड भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। यहाँ पर जो गहलोत है और पायलट साहब है उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये देखिए, राजस्थान क्राइसिस मैं सेपरेट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ और काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी गई है, हमने गवर्नर के बारे में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यहाँ पर मॉरिशियस PM मोदी टू अनवील SC बिल्डिंग इन पोर्ट लुइस, तो यहाँ पर उनका जो नया सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, तो इसके रिगार्डिंग में हम इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे।
और मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है हम देखेंगे, जिससे कि आपको मेंस में काफी फायदा मिलेगा। यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन जो है वो राइज हुई है एट 6 पर एनम 2006 से लेकर 18 तक, तो ये रिपोर्ट कहती है। तो इसके रिगार्डिंग में हम काफी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी हेल्दी वीडियो हमें देखने को मिलने वाला है। और देखिए, इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने वीडियो लाता हूँ, तो आप शेयर का बटन अगर दबा दोगे काफी अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, पहला यहाँ पर हम आर्टिकल लेते हैं, मॉरिशियस पीएम मोदी टू अनवील एससी बिल्डिंग इन पोर्ट लुइस। तो आप साइड में मैप में देख सकते हो कि जो पोर्ट लुइस है वो हमें कहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो मॉरिशियस में पोर्ट लुइस आता है, पोर्ट लुइस कहाँ पर है आपको मैप में नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम मैप में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेट किया है कंट्री का न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, ठीक है, जो कैपिटल है पोर्ट लुइस वहां पर। और उसी के साथ साथ मोदी जी जो है उनके साथ मिलकर इनॉग्रेशन जो है शेड्यूल किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर मेंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके की बिल्डिंग हमें नजर आ रही है। बिल्डिंग जो है ये फर्स्ट इंडियन असिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है विद इन पोर्ट लुइस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको सीधा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला आएगा कि फर्स्ट एवर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग हैव बीन इनॉग्रेटेड इन मॉरिशियस पोर्ट लुइस, ठीक है, पहला ये स्टेटमेंट आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि इट इज द फर्स्ट इंडियन असिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद इन पोर्ट लुइस। तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत रहेगा, दूसरा यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि पहली बिल्डिंग थोड़ी है यार, है ना। नई बिल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है सुप्रीम कोर्ट की, और ये वन ऑफ द 5 प्रोजेक्ट्स है जो इंप्लीमेंट किए जाने हैं अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक्सटेंड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मॉरिशियस को 2016 में। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिल रहा है 4700 स्क्वायर मीटर में स्प्रेड हुआ है विद ओवर 10 फ्लोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडो मॉरिशियस रिलेशंस अगर हम देखें तो यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ बायलेटरल अग्रीमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ इंडिया जो है मॉरिशियस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, ठीक है, वहां पर हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफी अच्छा करते हैं गुड्स का। अब फाइनेंशियल 14-15 में देखिए, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था गुड्स वर्थ रुपीज 1.9 बिलियन यूएसडी मॉरिशियस को, और इम्पोर्ट किया था गुड्स वर्थ 21.19 मिलियन फ्रॉम मॉरिशियस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर आपको बताना भी नहीं है कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं, आप खुद सोचिए कि हमारा यहाँ पर ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आंकड़े और उसका जो यूनिट है वो भी ध्यान से देखिएगा। मॉरिशियस जो है पार्ट है इंडिया के सिक्योरिटी ग्रिड का, जिसमें कोस्टल सर्विलेंस रेडार भी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, खास ये चीज तो मुझे आपको बतानी ही थी जो मॉरिशियस से रिलेटेड है। अब यहाँ पर मैंने इसको क्यों यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, उसके पीछे का कारण ये है कि हमारी बहुत एक लंबी बॉर्डर है अगर हम ओशन से कनेक्टेड देखें तो इसीलिए वहां पर काफी थ्रेड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब जी हमारे जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड अगर कैसा भी क्वेश्चन आए। देखिए, मेंस जो है ना वो भी निकालना एक ट्रिक है, एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो मेंस को अगर आपको निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या आती है कि आपको ढांचे बनाने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप खुद सोचिए इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो सभी क्वेश्चंस के अगर आप आंसर याद करने लग जाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या होता है कि आपको एक ढांचा बनाना पड़ता है कि मैरिटाइम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें मेरी ये पॉइंट जो है वो कॉमन रहेंगे। फिर एक्स्ट्रा चीज जो क्वेश्चन में पूछी गई है जो हमारे ढांचे में इंक्लूडेड नहीं है वो आपको सिर्फ लिखना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका आंसर राइटिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगा, आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि काफी मुश्किल होता है सारी चीजें याद रखना, इसलिए हमें ढांचे बनाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर जब आपको मैरिटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर, क्योंकि हमारे बट ऑब्वियस आर्टिकल में नहीं दिया गया है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया जो है उसकी काफी लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ठीक है, 7516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जिसमें 5422 किलोमीटर जो है कोस्ट लाइन मेनलैंड पर देखने को मिलती है और 2094 किलोमीटर जो है आइलैंड्स जो हमें है वहां पर देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट बट ऑब्वियस आपको कॉमन रहेगा, है ना, जब भी मैरिटाइम के बारे में पूछा जाए ये पॉइंट आपको कॉमन रहने ही वाला है। ये भी पॉइंट आपको कॉमन रहेगा कि कोस्ट लाइन जो है वो 90% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड यहाँ पर अकाउंट करती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स अगर आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने आपके लिए पॉइंट्स लेकर आया हूँ। जैसे कोस्टलाइन जो है हाउस 12 मेजर एंड 1200 माइनर पोर्ट्स अलोंग विद 95 लैंडिंग सेंटर्स, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की कोस्टल लाइन है हमारी, है ना, पूरी यहाँ से आप शुरुआत करोगे तो कितनी लंबी है। यहाँ पर आप देखिए
काफी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो भी दिए गए हैं, ठीक है। लेक्स के बारे में बताया गया है, चिल्का लेक है ना, चिल्का लेक के रिगार्डिंग अभी हमने रिसेंटली काफी सारी चीजें देखी थी। उसी के साथ यहाँ पर लोनार लेक है महाराष्ट्र में, उससे रिलेटेड भी हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखी थी। कुछ कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहा था वो, याद आ रहा है ना, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कोस्ट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें होलिस्टिक अप्रोच जो है वो अपनाना पड़ता है, जिससे कि हम ये जो कोस्ट लाइन है उसे मॉडर्नाइज कर सके, क्योंकि हमारा ट्रेड जो है काफी बड़ा ट्रेड है ना, मतलब 90% ऑफ द कंट्री का ट्रेड जो है वो हमें यहीं से देखने को मिलता है। तो मतलब आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब इससे प्रॉब्लम्स कौन से कनेक्टेड है, जब हम मेरी टाइम की बात करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है मेरी टाइम से रिलेटेड, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, तो मेरी टाइम टेररिज्म जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे जो मुंबई में अटैक हुआ था, वहां पर भी बोला जाता है कि जो हमारा मेरी टाइम है वहीं से एंट्री जो है वो की थी टेररिस्ट ने। तो यहाँ पर मेरी टाइम टेररिज्म जो है काफी ज्यादा देखने को मिलता है, हाईजैकिंग, अटैकिंग, शिप्स को सिंक कर देना, हॉस्टेज ले लेना, है ना। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है। कमर्शियल सेंटर जो है उस पर अटैक, 2611 टेरर स्ट्राइक जो है मुंबई में, दो आइकॉनिक होटल्स ताज पैलेस और ओबेरॉय जो है वहां पर हुआ था, और ज्यूइश सेंटर जो है वहां पर भी देखने को मिला था। मुंबई में अगर आप देखो तो वहां पर एक लियोपोल्ड कैफे है, तो लियोपोल्ड कैफे में भी हमें जो बंदूक की गोलियां हैं उसके निशान देखने को मिलते हैं, और उन्होंने वो रिनोवेट नहीं किया है, अभी भी वो चीज देखने को मिलती है। अब वहां से बिलोंग करने की वजह से मुझे सारी चीजें उसके रिगार्डिंग पता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अटैक जो है पोर्ट्स और बाकी अगर स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज अगर हम देखें, तो वहां पर भी हमें यहाँ पर स्पेशली ऑयल देखिए, है ना। उसी के साथ लार्ज पॉपुलेशन सेंटर जो है विसिनिटी, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। शिप्स पर काफी ज्यादा अटैक होते हैं, मतलब शिप जो है वो हाईजैक की जाती है, रॉकेट्स के जरिए अटैक किया जाता है, ग्रेनेड्स, फायर आर्म्स उसके द्वारा किया जाता है ना। और ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। रॉबरी होती है, पायरेट्स जो आते हैं वो हमें देखने को मिलता है, स्मगलिंग जो है वो भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ट्रैफिकिंग काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स है, और इसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने भी काफी सारी जो स्कीम्स है वो लेकर आए हैं, काफी सारे फैसिलिटीज लेकर आते हैं, और उसी में से हमें जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है इस तरीके की, ठीक है। कोस्टल सर्विलेंस रडार हो गया, उसी के साथ हमने मालदीव के साथ भी काफी सारे अग्रीमेंट साइन किए हैं, जिससे कि हमारा कोस्टल फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर स्ट्रांग हो सके। तो इस तरीके की चीजें जो है आपको मेंस पे ढांचे बनाने पड़ते हैं, कि अगर कुछ भी मेरी टाइम से रिलेटेड आया तो प्रॉब्लम्स आपके अंदर आएंगी। तो प्रॉब्लम्स आपको ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स मिल गए, है ना। मतलब 5-5 पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, मतलब आपको इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में आपने मेरी टाइम से रिलेटेड लिख दिया कि हमारी कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है, ये सब कुछ है, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉब्लम्स में आपने ये सारे पॉइंट्स लिख दिए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वो आपने पॉइंट लिख दिया, फिर कंक्लूजन में कि क्या किया जा सकता है और। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे तो आपका एक हेल्दी आंसर जो है बन जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, MM Academy ऐप पर मैं आपको पूरे ढांचे भी बनाकर दे दूंगा, किस तरीके से आपको लिखने हैं, पूरे ढांचे आपके हो जाएंगे जब हम वहां पर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो शुरू करेंगे। तो MM Academy ऐप पर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं। पॉपुलेशन जो है टाइगर पॉपुलेशन वो 6% पर एनम जो है वो राइज हुई है 2006 से लेकर 18 तक, रिपोर्ट्स ये कह रही है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जो है फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर साहब, उन्होंने ट्यूसडे को रिलीज किया है डिटेल स्टेटस टाइगर रिपोर्ट्स का 2018 का। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर ग्लोबल टाइगर डे टाइगर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, 6% पर एनम जो है उससे इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर तो ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट तो है ही, टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। उसी के साथ साथ कुछ चीजें हैं जो हमने पहले कवर की थी, इसलिए मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीजें मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि सेंसस से रिलेटेड, जो टाइगर सेंसस है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है, पहले कैसे होता था, अभी उसमें जो मॉडर्नाइजेशन है वो किस तरीके से हुआ है, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। उसका नाम क्या है जो सेंसस किया जाता है टाइगर सेंसस, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उसका नाम क्या है, ये अगर आप कमेंट सेक्शन बता पाओ तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9 टाइगर रिजर्व जो है जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर हमें देखने को मिल रहे थे। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, बट ऑब्वियसली मेरा काम है बताना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर, तो आपको इस आर्टिकल के एंड में देखने को मिलेगा। स्टार्ट हुआ था 1973 में। अब इंडिया के 50 टाइगर रिजर्व है, मतलब आप देख सकते हो कितने ज्यादा है ना। और टाइगर रिजर्व जो है काफी इंप्रूव भी हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइगर्स की संख्या अगर हम देखें तो 2006 में 1411, फिर उसके बाद 1706, 2226, अब यहाँ पर 18 में देखे तो 2967, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, या फिर जो पॉपुलेशन है टाइगर की सबसे ज्यादा कहाँ पर इंक्रीज हुई है, कौन से स्टेट में हुई है, कहाँ पर डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अगर हम देखें तो वहां पर इंक्रीज ही देखने को मिला है,
लेकिन कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पर हमें डिक्लाइन जो है वो भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये भी चीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब यहाँ पर कंसर्न्स जो है, कंसर्न्स भी है, जैसे कि यहाँ पर कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर कॉरिडोर हैबिटेट जो है वो यहाँ पर इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। कॉरिडोर मतलब क्या होता है बेसिकली, कि ये एक जंगल है, ये दूसरा जंगल है। अब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ सड़क बांध कर रखी है, रेलवे ट्रैक बांध कर रखा हुआ है, ठीक है, कुछ डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर, यहाँ से अगर टाइगर को वहां जाना है तो ये कॉरिडोर जो है यहीं से होके गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर ट्रेन हो तो ट्रेन अगर आ जाए तो टाइगर्स की मौत हो जाएगी, है ना। उसी के साथ एलिफेंट कॉरिडोर हमने देखा हुआ है, एलिफेंट्स की काफी सारी डेथ हमें देखने को मिलती है। तो ये जो कॉरिडोर है ना, ये सेफ रहना चाहिए। अब कॉरिडोर से सेफ रहने के लिए जो ये होते हैं, ट्रेन होती है, ट्रेन अगर आ रही है तो उसके पास गवर्नमेंट ने क्या ऐसा किया हुआ है कि जो एलिफेंट्स है वो उसके पास ना जाए। हनी बीज की आवाज याद है आपको? हनी बीज की आवाज जो है वो क्या था, वो आप क्या मुझे बता सकते हो उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो वो जो आवाज लगाई गई थी, तो उससे क्या होता है जो एलिफेंट है वो दूर भागते हैं। तो जहां जहां पर ट्रैक्स है वहां पर उन्होंने आवाज लगाई जिससे कि एलिफेंट्स वहां पर पास में ना आए। देखिए कैसे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आपको संखलियां जोड़नी पड़ेगी, तो एक चीज से आप कितनी संखलियां जोड़ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर टाइगर के लिए क्या किया जा सकता है, आप खुद सोचिए कि टाइगर जो है वो यहाँ पर इस तरीके की चीजें ना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। भले गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, कॉरिडोर जो अलग तरीके का बनाया जा रहा है, लेकिन आप खुद सोच के देखिए ना, यहाँ पर कोई एक छोटी बात नहीं। अगर हम एमेच्योर लेवल पर देखें, अगर हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि शेर गांव में आ रहे हैं तो शेर गांव में आने से कैसे बचाया जा सकता है, तो इसके रिगार्डिंग भी अगर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये भी एक अपने आप में एक माइंड खोलने वाली चीज होती है और यूपीएससी में इसी की जरूरत होती है। रट्टा मारने वाले यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कौन कौन से स्टेट्स में, कौन कौन से राज्यों में यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंक्रीज है वो कहाँ पर हुए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हमें इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश में 526, है ना। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था 2006 से लेकर 2018 तक कैसे इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिला है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मोस्ट जो टाइगर्स है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर हमें 526 देखने को मिलते हैं। कर्नाटका यहाँ पर देखिए 524 है, केरला अगर आप देखो 190 है, तमिलनाडु अगर आप देखो इतने हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर महाराष्ट्र में 312 देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड में 442 देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभार आपको इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। उसी के आसाम में अगर हम देखें तो इतना हमें देखने को मिलता है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पर लॉस हमें सफर्ड होते हुए देखने को मिला है टाइगर की पॉपुलेशन में। तो ये एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा स्टेटमेंट उठाकर आपको डाल दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब टाइगर स्टेटस जो है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, वो स्टेडीली डिक्लाइन हुआ है। तो ये भी एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसा पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है कि मध्य प्रदेश में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है एंड छत्तीसगढ़ में डिक्रीज हुई है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि यार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो लग के हैं, तो मध्य प्रदेश में इंक्रीज हुई है, छत्तीसगढ़ में डिक्रीज कैसे हो सकती है ना। तो ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर हुआ है ऐसा, ठीक है, स्टेडी डिक्लाइन। उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं कि उन्होंने शिफ्ट किया हो, स्विच किया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है, ठीक है। और ये कंसर्न का मैटर जब बोल रहे हैं तो बट ऑब्वियसली कि ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ से निकलकर मध्य प्रदेश में आ गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। लार्जेस्ट कॉन्टीजियस टाइगर पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, अबाउट 724 टाइगर, ये हमें वेस्टर्न घाट जो है वहां पर देखने को मिलती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पर हम आते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको वीडियो से ही मिलेगी सिर्फ। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात अगर हम करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे आपको स्टेटमेंट आ सकते हैं इस पर कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तीन तरीके की बॉडीज हमें देखने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेटरी बॉडी, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या है, जिसका जिक्र हमारे संविधान में किया हुआ है आर्टिकल के जरिए। स्टेटरी बॉडी मतलब क्या है, किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है। और नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेटरी मतलब क्या है कि वो एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू लाई गई है, जैसे कि पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अगर हम देखें तो एक स्टेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और इस्टैब्लिश की गई थी 2005 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स, और ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे स्टेटमेंट आ सकते हैं, आपको बोल दिया जाए, क्वेश्चन आएगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। पहला स्टेटमेंट आएगा कि ये एक स्टेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है, अब आपको स्टेटरी बॉडी के थ्रू ये तो पता चल गया एक्ट के थ्रू है, तो दूसरा आपको स्टेटमेंट क्या दिया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है
अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में किया गया है। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट गलत रहेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके तहत यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिसे अमेंड भी किया गया था 2006 में। अब दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर अगर हम देखिए ऑनलाइन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी आपको बोल सकते हैं, आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या फर्क है? सेक्टर स्कीम मतलब होता है 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, स्पॉन्सर्ड मतलब होता है कि 60-40, 75-25 इस तरीके से हमें जो प्रपोर्शन है वो देखने को मिलता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। प्रोजेक्ट टाइगर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो सेंट्रल असिस्टेंस जो है टाइगर स्टेटस के लिए कंजर्वेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया जो है अब यहाँ पर काफी अच्छे हेल्दी टाइगर देखने को मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्नाटका काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन जो है टाइगर की इंक्रीज हुई है 33% सिंस द सेंसस ऑफ 2014। और उसी के साथ साथ अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है टाइगर जो है उन्हें कौन से स्केड्यूल में रखा गया है, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, किसमें कौन से स्केड्यूल में रखा गया है। उसी के साथ आपको बताना है IUCN स्टेटस जो है वो टाइगर्स का क्या है, ठीक है, दो चीजें आप मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में, एकदम आसान है, चलिए बता दीजिए, तो पॉज करके बताइए। अब हम यहाँ पर नए आर्टिकल पर आ रहे हैं आफ्टर द रूरल रिकवरी। रूरल रिकवरी, रूरल जो इकोनॉमी है उसकी रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे का? अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि लॉकडाउन जो है लिफ्ट किया गया मई में, अब बहुत सारी कंपनीज जो है अब ये रूबूस्ट हो रही है रूरल सेल्स में रैदर देन अर्बन एरियाज। मतलब क्या हो रहा है कि अर्बन एरियाज में कम हो रहा है, रूरल इकोनॉमी में यहाँ पर ज्यादा हमें जो रिबाउंड है इकोनॉमी का वो देखने को मिल रहा है। मतलब सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर का अगर हो रहा है मतलब एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, और एग्रीकल्चर तो रोका ही नहीं गया था लॉकडाउन में भी, इसीलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ठीक है भाई एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा बढ़ रहा होगा, ट्रैक्टर के सेल्स ज्यादा बढ़ गए तो इकोनॉमी जो है वो ज्यादा रिवाइव हो रही होगी। लेकिन रूरल सेल्स जो है सीमेंट में बोलिए, सोप में बोलिए, ये भी काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्बन सेल्स। तो ये एक चीज मतलब अजीब सी हमें देखने को मिल रही है कि हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि अर्बन एरियाज में ज्यादा कमाने वाले लोग हैं तो वहां पर जो इकोनॉमी और रिबाउंड करेगी, वहां पर ज्यादा फैक्ट्रीज है, वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये चीज क्यों हो रही है, ठीक है, ये चीज के फैक्टर्स क्या क्या है, तो यहाँ पर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं रूरल रिकवरी के? तो एक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है शिफ्ट जो हुआ है पॉपुलेशन में, मतलब कि जो माइग्रेंट लेबर्स है, एक है जो बिहार में एक लेबर है और वो महाराष्ट्र में आता है काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, मतलब फिर से अपने वो गांव पर चला गया है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन, मतलब अगर वो महाराष्ट्र में होता तो यहाँ पर वो ज्यादा खर्च करता, मतलब यहाँ पर जो सिटीज है, अर्बन एरिया है, वहां पर ज्यादा हमें जो एक्सपेंडिचर है वो देखने को मिलता। मैं यहाँ पर मुंबई की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में, मतलब मुंबई की बात कर रहा हूँ, तो ज्यादा वहां पर एक्सपेंडिचर करता, तो ज्यादा एक्सपेंडिचर करता तो बट ऑब्वियस है कि ज्यादा अर्बन एरियाज जो है वहां पर हमें इकोनॉमी रिकवरी होती हुई देखने को मिलती है। लेकिन अभी उसका माइग्रेशन हो गया है तो इसीलिए खर्च वो यहाँ पर नहीं कर रहा है, खर्च वो यहाँ पर कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे नियरली 5% लोअर अर्बन पॉपुलेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि डिमांड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। मतलब जो इतने सारे लेबर जो पहले अर्बन एरिया में रहकर वहां पर डिमांड थी कि वहां पर उन्हें चीजें खरीदनी है, पर अब वो अपने गांव चले गए हैं, गांव में जाकर वो खरीदी कर रहे हैं, तो वहां पर जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो ये एक चीज हमें देखने को मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर जो बूस्ट है रूरल एरिया में 3% तक का देखने को मिला है। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर रेमिटेंस जो उसमें ड्रॉप हुआ है ना, पैसे उनमें भी ड्रॉप हुआ है, मतलब जो लोग है भले ही यहाँ पर रह रहे थे तो खर्च क्यों कर रहे थे, ऐसे खर्च कर रहे थे क्या? नहीं, उनके पास पैसा आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर गए तो उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे खर्च कर रहे हैं? तो यहाँ पर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो इसका हमें देखने को मिलता है। तो दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो रबी हार्वेस्ट है वो यहाँ पर स्ट्रांग हुआ है। मतलब अब यहाँ पर हम दूसरे इस पर आ रहे हैं एग्रीकल्चर अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो रबी है उसका हार्वेस्ट अच्छा हुआ है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग यहाँ पर ज्यादा हुई है। ठीक है, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि मित्रों इतनी बातें कर रहे हो, मेरे खर्च की भी बात करो, तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर रबी हार्वेस्ट अगर हम देखें, यहाँ पर जैसे बात की जा रही है कि रबी हार्वेस्ट जो है वो बढ़ने की वजह से हमारी रूरल इकोनॉमी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, तो रबी हार्वेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, एग्रीकल्चर ये अगर हम देखें तो सिर्फ 29% रूरल GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मतलब कि अगर 100 रुपये रूरल GDP है तो उसमें से सिर्फ 29 जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगा, बाकी के जो है, बाकी के कितने हैं 71% जो है
वो हमें नॉन एग्रीकल्चरल देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि अगर पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कार्ड क्या किया गया है ऑथर के द्वारा कि रबी हार्वेस्ट आप बोल रहे हो ना कि रबी हार्वेस्ट की वजह से, लेकिन वो कॉन्ट्रीब्यूट ही इतना कम कर रहा है, ओवरऑल एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन ही इतना कम है जीडीपी में, तो वो अगर कितना भी बूस्ट हो जाए तो इससे बाहर तो नहीं जा सकता है, 29% से तो बाहर नहीं जा सकता है। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन दो यहाँ पर एम्प्लॉय वो कितने को करता है 58%, मतलब कि 100 लोग है और 100 रुपए टोटल कमाए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से 58 लोग एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं लेकिन ये सिर्फ 29 रुपए कमा पा रहे हैं, और बाकी के अगर हम देखें मतलब 42 लोग वो कितना कमा रहे हैं, 71 रुपीज कमा रहे हैं एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, मतलब रूरल इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो ये फैक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कितना भी अगर रबी हार्वेस्ट हो जाए फिर भी ये ज्यादा तो नहीं कमा लेंगे, इसलिए यहाँ पर जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ पर और स्पेसिफिक जाए जो रबी हार्वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो रबी क्रॉप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1/6 जो है टोटल एग्रीकल्चर आउटपुट का वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इसका जो मार्केटेबल सरप्लस है वो भी इतना ज्यादा नहीं है कि हम ये बोल सके कि रूरल इकोनॉमी डेवलप हो रही है सिर्फ रबी हार्वेस्ट पर, कि रबी हार्वेस्ट अच्छा हुआ है इसलिए रूरल इकोनॉमी डेवलप हो रही है, ये हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोक्योरमेंट जो है व्हीट का बोलिए कॉटन का बोलिए, उसने भी यहाँ पर कैश फ्लो जो है उसमें हेल्प की है, ठीक है, उसमें बिल्कुल हेल्प यहाँ पर की है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर इंक्रीज हुई हो भले ही, लेकिन यहाँ पर दूसरी जगह पर आप देखिए जो डिमांड है पेरिशेबल का ये यहाँ पर ड्रेन होता जा रहा है, ये यहाँ पर हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा आता है मिल्क चेन का। मिल्क चेन आप देखिए, मिल्क जो है मोर देन 1/5 ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट है वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो। अब मिल्क की डिमांड इंक्रीज हुई होगी डिक्रीज हुई होगी, आप खुद सोचिए, क्योंकि जब हम सोचते हैं तब हमारा एक IQ जो है डेवलप होता है, खुद सोचिए मिल्क की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई होगी या डिक्रीज हुई होगी। बट ऑब्वियस है कि लोगों के घर में कोई भी नहीं आ रहे थे और लोग डर की वजह से जो दूध वाले हैं उन्हें भी नहीं बुला रहे थे दुकान में जाकर, जो प्रोडक्ट्स है मिल्क के वो तो आ ही नहीं रहे थे, प्रोडक्ट्स मतलब जो पाउच होते हैं दूध के वो तो आ ही नहीं रहे थे, तो इसके वजह से क्या होगा, बट ऑब्वियस है कि डायरेक्ट जो मिल्क लोग घर में लेते हैं उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला होगा। सेकेंड चीज क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं शादियां जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें दूध से बनी हुई चीजें काफी इस्तेमाल होती है, मिठाइयां बोलिए जो भी चीजें बोलिए दूध से बनी हुई चीजें काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन ना ही अभी यहाँ पर कोई भी फंक्शंस हो रहे थे ना ही कुछ हो रहे थे, इसलिए जो मिठाई है या कुछ भी बोलिए जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उनमें भी यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला, मतलब इन शॉर्ट जो मिल्क है उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं सेलिब्रेशन जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिले, इसे डिसरप्शन जो है उसने फार्मर की इनकम को हर्ट किया है फ्रॉम फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी चीज आती है, मतलब यहाँ पर क्या किया गया दूसरे इसको जो रबी हम जो एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ पर बूस्ट मिला होगा, उसका भी काउंटर हमें देखने को मिल रहा है कि भैया एक तरफ ठीक है फार्मर का रबी इंक्रीज हुआ हो लेकिन फार्मर की बाकी जो चीजें वो तो डिक्रीज हुई है ना, समझ रहे हो आप ये चीज को। दूसरा जो पॉइंट था हमारा रबी की वजह से रूरल इकोनॉमी इंक्रीज हुई होगी, तो वो बोल रहा है नहीं, इसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर एक बड़ा है तो बाकी बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर में कम हुई है, फार्मर की इनकम कम हुई तो फार्मर की वजह से यहाँ पर रूरल इकोनॉमी जो है बूस्ट नहीं हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप आ रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर, ये तीसरी चीज है हमारी, पहले हमने रिवर्स माइग्रेशन का देखा था लेकिन उसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट था, एग्रीकल्चर का देखा था उसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट था, अब यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा स्पेंडिंग की है यहाँ पर, जो पुअर है फ्री ग्रेन्स उन्हें दिए हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है वो दिया गया है विमेन के बैंक अकाउंट में, और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है मनरेगा, मनरेगा स्पेंडिंग जो है वो भी काफी ज्यादा हायर हुआ है। तो अब यहाँ पर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो होता है या नहीं देखते हैं हम, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है उसकी वजह से इकोनॉमी जो है बूस्ट हुई होगी रूरल इकोनॉमी। रैपिड ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिला है मनरेगा का, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे मनरेगा मतलब क्या होता है कि आपको गारंटी दी जाती है कि इतने दिन का, अभी आपको रिसेंट चीजें याद आ रही है हमने न्यूज़पेपर में कवर की थी, 100 डेज गारंटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर 150 डेज 125 डेज याद आ रहा है कुछ बढ़ाने की बात की जा रही है, 145 डेज कितनी बढ़ाने की बात की जा रही है, आप मुझे क्या कमेंट सेक्शन बता सकते हो वो चीज। देखिए ऐसा होता है जब हम पुरानी चीजों को भी याद करके पढ़ते हैं ना तो फिर हमारा और पक्का हो जाता है, यहीं पर रिविजन हो जाती है, क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं न्यूज़पेपर इज ऑलवेज कनेक्टेड, हमेशा कनेक्टेड होता है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ गई, ठीक है, कोई नई चीज अगर आई है तो वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी कुछ दिनों तक। अभी जो टाइगर पॉपुलेशन है हम कब से पढ़ रहे हैं, अभी भी आ ही रहा है ना, इसीलिए ये जो चीजें होती है कंटिन्यूअसली चलती है। मनरेगा के बारे में हमने देखा हुआ था, जो दिन है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, कितना बढ़ाने की बात की जा रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो हमारा प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए वर्क फ्लो जो है मनरेगा का, यहाँ पर मैंने चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से वर्क फ्लो होता है।
एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या हुआ है, मनरेगा अगर हम देखें तो यहाँ पर जॉब जो है प्रोवाइड की जाती है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा आता है। अब यहाँ पर मनरेगा से भी पैसा आ रहा है, अब सरकार जो है खुद यहाँ पर लोगों के अकाउंट में भी पैसा डाल रही है, उसी के साथ साथ फ्री फूड ग्रेन भी दिया जा रहा है। मतलब कि एक आम इंसान जो एग्रीकल्चर पर काम नहीं करता है, जो एक समझ लीजिए कहीं और इंडस्ट्री में काम करता था, अब यहाँ पर घर पर बैठा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मनरेगा के थ्रू वो काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे पैसा आ रहा है। यहाँ पर दूसरा सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है, और फूड ग्रेन में जो उसका खर्च होता था वो खर्च नहीं हो रहा है। तो अब क्या है, जो उसके पास सेविंग है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए है, पहले 100 रुपए उसे खाने में खर्च करने पड़ते थे, अब वो नहीं हो रहे, उसे फ्री में खाना मिल रहा है। तो अब ये जो 100 रुपए दूसरी जगह खर्च कर पा रहा है, तो अब यहाँ पर दूसरी चीजों की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है रूरल इकोनॉमी में। समझ रहे हो आप कैसे लिंक लग रही है ना? तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एट द वेज ऑफ 200 per day समवन वर्किंग फॉर ऑल 30 days इन अ मंथ, ये 6,000 रुपए कमाएगा, इनफ है उसके सर्वाइवल के लिए, और खाना तो उसे मिल ही रहा है ना सरकार की तरफ से, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए जो चीज है, जो प्रॉब्लम है, और यहाँ पर अब एक चीज मतलब हमें मिल गई, रूरल इकोनॉमी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है, जो मनरेगा है वो अच्छा काम कर रहा है, जो सरकार है वो फूड ग्रेन यहाँ पर फ्री में दे रही है, तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसकी वजह से रूरल इकोनॉमी जो है शायद अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में ज्यादा यहाँ पर बूस्ट हो रही है। लेकिन एक वहां पर अब प्रॉब्लम कंसर्न भी निकल आता है। कंसर्न क्या है कि यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है वायरस का जियोग्राफिकली, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर क्या है, जो पॉलिसी सरकार अपना रही है, पॉलिसी जो सरकार ने अपनाई है, उसकी वजह से रूरल इकोनॉमी बूस्ट हमें जरूर देखने को मिला है, लेकिन अब यहाँ पर पॉलिसीज में और चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर और स्विच शिफ्ट जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए आप, जो टैक्स कंप्लायंस है वो लो हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इंडिया में वो यहाँ पर ज्यादा हो रही है, तो अब यहाँ पर फिस्कल डिफिसिट जो है गवर्नमेंट का काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट कितना दे पाएगी? अब ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने खत्म होने के बाद, जो 3 महीने खत्म हो जाएंगे अगर फिर से यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया, लॉकडाउन निकाल दिया गया, उसके बाद यहाँ पर सीधे लोगों के हाथ में सीधा पैसा आना शुरू हो जाएगा, 1,000-1,000 रुपए देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर एकदम से जब फूड ग्रेन बंद हो जाएंगे, जब गवर्नमेंट यहाँ पर फूड ग्रेन देना बंद कर देगी फ्री में, तो फिर उन लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, क्या हो पाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्दर लार्ज पार्ट जो एक्सपेंडिचर का वो यहाँ पर इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज है ना, तो अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करेगी, और फिर यहाँ पर एक बड़ा आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे यहाँ पर डिक्रीज होगी, है ना। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप देखिए, ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट लाना भी बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो काफी कम होता जा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर कंसर्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अब एक हेल्दी आंसर आपका बन जाएगा, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि रूरल इकोनॉमी में ज्यादा है, तो आप इजीली बता पाओगे, अच्छे से पॉइंट वाइज बता पाओगे, है ना, काउंटर कर करके। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, मार्केट हाई है लेकिन डर यहाँ पर सता रहा है। मार्केट बढ़ रहा है मतलब क्या है, आपकी तरक्की हो रही है, आप ऊपर जा रहे हो, आपको मूवीज पे मूवीज मिल रही है, लेकिन आपके मन में डर भी है कि साला ये बबल तो नहीं है जो फट जाएगा और मुझे मूवीज मिलना बंद हो जाएगी। मतलब आपकी दुकान जो है बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपके मन में डर है यार सडनली अगर वायरस जैसा कुछ आ गया और लॉकडाउन लग गया तो मेरी दुकान में इनकम जो है वो बंद हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर हो रही है कि मार्केट जो हाई जा रहा है, मतलब ये एक पॉजिटिव साइन तो है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ डर जो है वो भी सता रहा है। डर क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट जो है अराउंड द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया, तो यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड जो है ये सर्ज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बढ़ रहा है, और उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे नास्डाक जो है कंपोजिट उसने हिट न्यू लाइफ टाइम हाई, ठीक है, ये भी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स जो है उसने 40% गेन किया है, मार्च 23rd जो लोएस्ट हमें देखने को मिला था। तो ये बेसिकली बढ़ क्यों रहा है, सबसे पहला तो सवाल आपके मन में ही आना चाहिए कि बढ़ क्यों रहा है, ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि बढ़ क्यों रहा है। जब हमने जो टेस्ला है उसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आ गई है, टेस्ला में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, लॉस होने के बावजूद, ये चीज हमने कवर की थी उस टाइम पे। मैंने आपको बताया था मार्केट जो है क्यों हमारा ऊपर जा रहा है ना। और दूसरी चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यहाँ पर फिर ऊपर जा रहा है तो डर क्यों है, तो ये दोनों सवालों के जवाब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। तो यहाँ पर बेसिकली साइन ऑफ बबल जो है वो बोला जा रहा है। बबल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स टिपिकली यहाँ पर जो फाइनेंशियल मार्केट है वो जो वैल्यूएशन एक्चुअल वैल्यूएशन है वो बताने में नाकामयाब हो रहा है, मतलब एक्चुअल जो स्थिति है वो बताने में नाकामयाब हो रहा है। मतलब जैसे कि हमने उस आर्टिकल में डिस्कस किया था, उसकी थोड़ी मैं चीजें आपको बताता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको शायद याद भी आ जाएगा कि हमने वो आर्टिकल डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था मार्केट जो ऊपर क्यों जा रहा है,
पहली चीज हमने देखी थी कि यहाँ पर लोग जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब उनको ये पता है कि एट प्रेजेंट अगर भले ही यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा हो लेकिन फ्यूचर में मार्केट इंक्रीज होने ही वाला है। मतलब यहाँ पर जो रिकवरी, उसमें हमने रिकवरी भी देखी थी अलग अलग, यू शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी, तो बहुत सारे लोग अंदाजा लगा रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी का, और इसीलिए वो ये कर रहे हैं कि अभी भले ही लॉकडाउन है तो नीचे जा रहा हो लेकिन हम यहाँ पर खरीद लेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा ही, कंपनीज को प्रॉफिट होगा ही, तो ये होप पर वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर क्यों जाता है बेसिकली अगर आप देखोगे मार्केट में डिमांड जो है, शेयर्स की डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए है ना, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर यही हो रहा है कि मार्केट जो है इस वजह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमने ये चीज देखी थी। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने देखा था कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जिस तरीके से अप्रोच कर रही है, गवर्नमेंट जिस तरीके से एक एटीट्यूड रख रही है, तो वो भी एक कारण है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, कि गवर्नमेंट जो है उसके एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने पैकेजेस इतने ज्यादा लेकर आए हैं कि जिससे कि लोगों को लग रहा है कि सरकार जब फ्री में इतना ज्यादा पैसा बांट रही है लोगों के पास, तो बट ऑब्वियसली लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा, जैसे ही मार्केट खुलेगा लोग खरीदना शुरू कर देंगे। अब बेसिकली मार्केट बढ़ता कब है, कंपनी की ग्रोथ कब होगी, जब वो कंपनी के प्रोडक्ट्स लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो लोग खरीद क्यों नहीं रहे हैं, लॉकडाउन है, ऐसा ये लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अंदाजा लगा रहे हैं कि लॉकडाउन है। अब लोग के हाथ में जो पैसा है वो सरकार प्रोवाइड करती जा रही है लॉकडाउन रहने के बावजूद, तो अब इतना जो पैसा यहाँ पर आया है लोगों के पास, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा लोग खरीदना शुरू कर देंगे, मतलब कंपनी जो उनको प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनीज बूम करेगी और हमारे शेयर प्राइसेस जो है हाई चल जाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कुछ कारण जिससे कि लोग जो है ज्यादा मार्केट यहाँ पर बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइमरी रीजन जो है मार्केट यहाँ पर क्या है, मेगा स्टिमुलस पैकेज जो यहाँ पर ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के द्वारा अनाउंस किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम यूएसए की बात कर रहे हैं, हम सभी कंट्रीज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए यूएसए, ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पर मोस्ट एक्सपेंसिव बेल आउट जो है यूएस हिस्ट्री में हमें देखने को मिला है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि लोगों को यह है कि कोई भी कंपनी अगर नुकसान में जा रही है तो गवर्नमेंट उसको नहीं जाने देगी। अब शेयर प्राइसेस नीचे कब जाते हैं, कंपनी जब लॉस में जा रही है, लेकिन अब लोगों को क्या भरोसा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो इसको नीचे जाने ही नहीं देगी, तो इसीलिए अब जब नीचे नहीं जाएगी प्रॉफिट में जाएगी तो बट वापस खरीद लो। तो इसलिए क्या हो रहा है, मार्केट जो ऊपर जा रहा है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमें चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बबल है, ये एक बबल है, मतलब होता है ना कि आप समझ लीजिए कि एक बड़ा सा एक फुगा है, ठीक है, उस पर आप बैठे हुए हो, फूकता जा रहा है, 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 लेकिन एक टाइम पे क्या होगा कि वो फट जाएगा, और फट जाएगा तो आप जहां इतना ऊपर तक पहुंच चुके थे आप धड़ाम से नीचे आप गिरोगे। तो ये डर जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये फियर है। मतलब पहली चीज हम समझ गए कि क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरा फियर क्यों है, डर क्यों है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब ये जो है कि फियर ये क्यों है, इसके भी प्रूफ हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जो चीजें हैं, जैसे टेस्ला बोलिए, एप्पल बोलिए, कोका कोला बोलिए, है ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो, यहाँ पर ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए रिलायंस कंपनी जो है, जियो, आप समझ लीजिए जियो कितने सारे इन्वेस्टमेंट लेकर आया, वो सोचता था कि दिसंबर में हम डेट फ्री बनेंगे, नेट डेट फ्री, लेकिन अब उसने काफी महीनों पहले ही नेट डेट फ्री बन गया। तो इससे क्या होगा, लोगों का भरोसा होगा ना, लोग क्या करेंगे इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, कि फेसबुक भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, गूगल भी कर रहा है, सभी कर रहे हैं, है ना। मोस्ट कंपनीज जो है उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, रेवेन्यू जो है वो लाने की कोशिश की है फ्रेश कैपिटल रेज करके, और उसी के साथ साथ यहाँ पर शेयर सेल करके भी और नए बॉन्ड्स इशू करके भी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपनीज जो है उनमें यहाँ पर वैल्यूएशन इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। तो बट ऑब्वियसली लोगों को लग रहा है कि नहीं, अभी भले ये काम नहीं कर रही हो, अभी भले नुकसान में जा रही हो, लेकिन आगे ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, ठीक है, ये हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है जो स्टिमुलस है वो यहाँ पर जो मार्केट रिकवरी है उससे जुड़ा हुआ है, कि मार्केट जो है उसे रिकवर करना है। लेकिन जो एनालिस्ट है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो यूएस स्टॉक मार्केट है ये वीक होता जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट भले ही यहाँ पर स्टिमुलस दे रही हो लेकिन फिर भी जो मार्केट है वो वीक होता जा रहा है, समझ रहे हो आप। मतलब कैसा है, अगर मैं आपको एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताऊं तो मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी अगर लॉस में जा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने मेरे को पैकेज दे दिया, तो मेरा सिर्फ लॉस यहाँ पर ये हुआ है, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो मेरे को लॉस ही होता रहेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट भी कब तक हेल्प करती रहेगी। तो यहाँ पर बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा दे रही है तो मेरा यहाँ पर क्या हो गया, लॉस खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक कंपनी है, मुझे 100 रुपए का लॉस हुआ है, गवर्नमेंट ने मुझे 100 रुपए दे दिया, अब मेरा लॉस यहाँ पर खत्म हो गया है। अब लोगों ने ये देख कर कि भैया एक भी लॉस नहीं है इसने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, आगे लॉस ही होने वाला है,
ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रही है। तो अगर यहाँ पर हो गया, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया तो सबसे नीचे गिर गए, है ना, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन जो है, अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन जो कंपनीज है उनकी अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन यहाँ पर लोग लगा रहे हैं, और उसके साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट जो है उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसके वजह से एक बबल क्रिएट हो रहा है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया मेरा बोलना क्या है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जो क्रैश है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर डिस्ट्रेस के ऑलरेडी यहाँ पर क्रैश हो सकता है, ये हमें पता कैसे चल रहा है। यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है अमेरिकन इसकी वो डीप हुई है, उसी के साथ साथ यहाँ पर बिग बिजनेसेस जो है ऑलरेडी यहाँ पर सैचुरेट होते जा रहे हैं, नया पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर आप बात करोगे सर तो आप बात कर रहे हो यूएसए की, यूएसए और हमारा क्या लेना देना है, तो यूएसए और हमारा भी लेना देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन अंडर द केयर्स एक्ट, ये भी यहाँ पर एक्सपायर हो रही है यूएसए की अगर हम बात करते हैं। तो मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो गया, नहीं पता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं बढ़ती है तो फिर लोगों के हाथ में जो पावर है, परचेसिंग पावर, वो खत्म हो जाएगी, और सेकेंड स्टिमुलस जो है उसका भी कोई यहाँ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए यूएस फेड और ट्रेजरी जो है टुगेदर यहाँ पर 10% अमेरिका से एंटायर स्टॉक ऑफ बिजनेस डेट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब बेसिकली डिस्ट्रप्शन क्या हो रहा है, यही डिस्ट्रप्शन हो रहा है कि सब प्रॉपर चीजें नहीं हो पा रही है। और वही सवाल कि इंडिया से क्या लेन देना है, तो यहाँ पर इंडियन मार्केट में देखिए यूएस क्रैश यहाँ पर कास्केडिंग इफेक्ट जो है इम्पैक्ट ला सकता है इंडिया पर भी। अब यूएसए में अच्छा खासा हमें बूस्ट देखने को मिल रहा है, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है ना, है ना। तो यही चीज, मतलब देखिए बीएससी और एनएससी जो है यहाँ पर रिबाउंड हमें देखने को मिला है 43% का। मतलब ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, अगर यूएसए में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसका इंपैक्ट जो इंप्लीकेशन है वो उसके इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, और यही चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ यहाँ पर आप देखिए कि जून 2020 क्वार्टर जो है स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेड शोइंग बाय इंडियन आईएनसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जो बहुत सारी कंपनीज है उनके प्रॉफिट किस पर डिपेंडेंट रहेंगे, जो लॉकडाउन है उसके बाद लोगों के पास जॉब रहेगा या नहीं, क्योंकि इंडिया में तो जॉब की स्थिति और ज्यादा खराब है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर प्ले करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है बबल जो है वो हो सकता है क्रिएट हो रहा हो। ये बबल को अगर रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चरल यहाँ पर फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है काफी ज्यादा जनरेट हो जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यहाँ पर ले ऑफ इतना ज्यादा हो रहा है तो लोगों के अंदर परचेसिंग पावर बढ़ना चाहिए, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, कंपनीज को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट का जो रिलीफ पैकेज है लिक्विडिटी ड्रिवन है। लिक्विडिटी ड्रिवन मतलब क्या है, जो लोग यहाँ पर रिलाय कर रहे हैं गवर्नमेंट पैकेज दे रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पर सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट भी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी यहाँ पर एक लोन की तरह ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, नाम अलग अलग दिए गए हैं लेकिन बेसिकली लोन है। मतलब मैं अगर मेरा एमएसएमई है तो मुझे अगर पैसों की जरूरत है तो मेरा लोन है ये। गवर्नमेंट मेरे को पैकेज नहीं दे रही है कि तुम ले लो, दान में पैसा नहीं दे रही है, लोन दे रही है, मुझे चुकता करना है। ये नहीं होगा एनपीए बढ़ेगा, एनपीए बढ़ेगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो समझ रहे हो आप, ये जो एक बबल है कि जिस भरोसे पे आप बोल रहे हो कि जो गवर्नमेंट रिलीफ पैकेजेस आ रहे हैं, जिस भरोसे पे आप बोल रहे हो कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वही तो यहाँ पर एक एक रिस्क के आधार पर बना हुआ है, एक रिस्क यहाँ पर चल रही है। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो मैंने आपसे बात की थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप देखिए बाकी कंट्रीज के मुकाबले में, भले ये आंकड़ा जो है ये पिछले साल मतलब कुछ साल पहले का है, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया में कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज। एनपी अगर है तो जो बैंक है क्या वो लोन प्रोवाइड करेगी, नहीं करेगी। तो ऐसे भी प्रॉब्लम है, जब लोन प्रोवाइड नहीं करेगी तो अपना बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाएगा, एक्सपांड नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये भी एक बबल का नतीजा जो है वो देखने को मिल रहा है। आप इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो है वो यहाँ पर जंप हमें देखने को भले ही मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर क्या है एफडीआई जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, एफपीआई जो है वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म का और कम होता है, एफडीआई जो है ज्यादा होता है। 10% से कम अगर है तो उसे एफपीआई कहा जाता है, एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लेकिन ऐसा माना जाता है, और ज्यादा हो तो उसे एफडीआई कहा जाता है। एफडीआई ज्यादातर जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि मेरा प्रॉफिट निकल गया, मेरे को पैसा मिल गया और मेरे को दे दो, ऐसा होता है, तो वो ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर कुछ चीजें आर्टिकल से अलग, तो यहाँ पर अगर हम देखें डिफरेंस बिटवीन डीओडब्ल्यू एंड एसएनपी, यहाँ पर दोनों ही चीजें हमने देखी थी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये दोनों ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों ही यहाँ पर स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, कि स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है उस पर इंडेक्स हमें देखने को मिलता है, दोनों ही इंडेक्स है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि 30 लार्ज कंपनीज को देखता है
और ये जो है ये 500 लार्ज कंपनीज को देखता है, S&P 500 इसका नाम ही आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे डिफरेंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लेकर आया, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर आप देखिए जो दोनों है उसमें 500 होता है, उसमें कंपनीज जो है वो कम हमें देखने को मिलती है। अब ब्लैक मंडे, ये ब्लैक मंडे कॉन्सेप्ट भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर है और इसीलिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि ये बबल से रिलेटेड है ना, बबल से रिलेटेड हमने आर्टिकल देखा है, बबल बस्ट हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर है। ब्लैक मंडे जो है ये अकोर्ड हुआ था अक्टूबर 1987 को, जहां पर डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है ये ऑलमोस्ट 22% सिंगल डे यहाँ पर लॉस कर दिए थे, ठीक है। तो मतलब आप समझ लीजिए एक बबल जो है वो क्रैश हो रहा है। चाइना में भी हमने एक बबल का बारे में देखा था, चाइना जो गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा लिबरलाइज करती जा रही थी, देती जा रही थी, लेकिन एक बबल जो है वो बनता जा रहा था, फिर जो क्रैश हुआ तो बहुत ही बुरी तरह क्रैश हुआ था, इकोनॉमी जो है क्रैश हो गई थी। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है BSE और NSE, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर है। अब यहाँ पर आप देखोगे दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है, एशिया का ओल्डेस्ट है। और उसी के साथ यहाँ पर कब शुरू हुआ था ना, 1875 में अंग्रेजों के जमाने में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑपरेशन 1992 में शुरू हुआ था, और उसी के साथ है ये लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और उसी के साथ है NSE और BSE जो है उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप ये पढ़ सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है क्योंकि आपको स्टेटमेंट्स आ सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NSE एंड BSE, NSE और BSE में ये डिफरेंस है, पहला स्टेटमेंट आ सकता है, दूसरा आ सकता है, कुछ दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर इन अ ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज रैंकिंग NSE जो है वो 11th पोजीशन पर है, BSE जो है वो 10th पोजीशन पर हमें देखने को मिलती है ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज रैंकिंग में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NSE जो है लीड सेगमेंट है, ठीक है, मोनोपोलाइजिंग इट, और BSE जो है ये फार लोअर वॉल्यूम जो है एंजॉय करती है अमंग द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स अलाइक। और यहाँ पर 1600 कंपनीज लिस्टेड है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 5000 कंपनीज जो है, मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ये इंकॉर्पोरेट की गई थी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और 1995 में BSE जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पर स्विच हुआ था, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ऐसा आ सकता है कि जो BSE है वो पहले से इलेक्ट्रॉनिक इस पर था, तो स्टेटमेंट गलत रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप पढ़ सकते हो, PDF से आप रिवाइज कर सकते हो, PDF जो है टेलीग्राम पर शेयर हो जाती है, टेलीग्राम पर आप फॉलो जरूर कीजिए। तो अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर, तो जो मैंने आपसे जवाब पूछा था वो था चील, या फिर चीले जिसे कहा जाता है, और उसी के साथ यहाँ पर है प्यूत्रो विलियम्स, ठीक है, वर्ल्ड्स सदर्न मोस्ट सिटी हमें देखने को मिलती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। MM Academy आपको डाउनलोड जरूर कीजिए, जहाँ पर आपको कई इंटरेस्टिंग इनोवेटिव सीरीज जो है वो देखने को मिलेगी, और अब काफी यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।